यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में कुल 17 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें से 15 फैसलों पर मोदी कैबिनेट की त्रिवेंद्र कैबिनेट की मोहर लगी। बैठक में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को होली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते को 12% तक कर दिया है। तो कई अहम फैसलों पर मोहर लगी त्रिवेंद्र कैबिनेट की, और इसमें एक अहम बात यह आई कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको महंगाई भत्ता उनका 12% तक कर दिया गया है। कैबिनेट में किन किन मुद्दों पर मोहर लगी उसको आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। उधम सिंह नगर के हरिपुरिया तोमरिया बोर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट को मंजूरी मिली है। केंद्र द्वारा प्लांट किया जाएगा, इस पर जो प्लांट है उस पर खर्च केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। पीपीपी मोड पर सोलर प्लांट चलेगा, 25 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। उत्तराखंड परिवहन में संविदा के माध्यम से 367 लोगों को रखे जाने को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही वन सेवा नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी मिली है कैबिनेट की तरफ से। चिकित्सा शिक्षा में नर्सिंग संस्थान में 37 पदों के लिए आउटसोर्सिंग से भर्ती को मंजूरी मिली है ताकि ये समस्या दूर हो सके। मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड में आने वाले एक्सपर्ट्स का मानदेय तय किया गया है। अल्मोड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भूमि 4 हेक्टेयर को भारत सरकार को निःशुल्क देने का फैसला हुआ। नई टिहरी में रह रही जो विस्थापित रह रहे हैं उनको विधानसभा सत्र में उनको लाभ दिया जाए उसके लिए काम हुआ है, मंजूरी मिली है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में नियमावली में संशोधन को मंजूरी हुआ है। जीबी पंत विश्वविद्यालय भरसार विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को 7वें वेतन मान का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही यूपी परिवहन से उत्तराखंड को 300 बसों की खरीद की मंजूरी मिली है।